आज आपके मन पसंदीदा चैनल मिक्स जीके बाई जीके अग्रवाल सर के माध्यम से बताने जा रहे हैं दर्द से राहत दे बबूल के पेड़ पर लगने वाली फली जिनको कि पात्रड़े के नाम से जाना जाता है उसकी सब्जी और अचार कैसे बनाया जाए। बबूल का पेड़ वैसे तो कांटों से भरा हुआ होता है जो आप देख रहे हैं, इसमें जगह जगह भारी मात्रा में कांटे हैं और ऐसे में यह औषधीय गुणों से भी बहुत युक्त होता है। इसके पेड़ से लगने वाली ये फली जो आप देख रहे हैं ये फलियां बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही पौष्टिक होती हैं। ये पात्रड़े की फलियां हैं जिनमें मैग्नीशियम सिलिकॉन विटामिन सी से भरपूर होती हैं जो घुटनों के गैप व जोड़ों के दर्द में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। इसको बकरियां बहुत चाव से खाती हैं और इनको सूखा सूखा कर तोड़ करके गडरिए इनको कभी गीली फलियों को भी खिलाते हैं और साथ में सूखने के बाद भी बकरियों और भेड़ों को खिलाया जाता है। यह कफ और पित्त की समस्या को भी दूर करता है। इसकी फली से बनी सब्जी का प्रयोग मानव के लिए और अचार जो कि मानव के कई प्रकार के रोगों में दूर करने के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। इसका अचार या सब्जी बनाने के लिए पहले इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है, कच्ची कच्ची फलियों को तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद इसको जो है बॉईल किया जाता है, बॉईल करने के बाद पानी को दूर निथार दिया जाता है और निथारने के बाद जो फलियां बचती हैं उनको तेल में छौंका जाता है और छौंकार देने के लिए उसमें राई जीरा हींग और अन्य मसालों का प्रयोग किया जाता है और इसको आराम से चपातियों के साथ बड़े चाव से खाया जाता है। एक तो सब्जी का भी काम कर देती है, अचार का भी काम कर देती है और साथ ही साथ जो पौष्टिकता भी प्रदान करती है और जोड़ों के रोगों से भी यह मुक्ति दिलाने में मददगार साबित होती है। तो आपने इस औषधीय गुणों को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।